जय श्री राम, हरिओम, नमः शिवाय। गुरु महाराज की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो। नजदीक आओ, कहाँ से आए हैं? राजस्थान से हैं हम, वैसे राजस्थान से हैं लेकिन दिल्ली में रह रहे हैं अभी। अच्छा, पहली बार आए दरबार में? हाँ, बागेश्वर धाम गए थे, उस समय आपकी कथा थी कहीं और, तो आपने कहा है पहले हनुमान जी को मानो, तो हम वहाँ पहले चले गए थे। अरे वाह, आपने किसी को अपने विषयों से अवगत तो नहीं कराया? नहीं। राजस्थान में कहाँ से हो बहना? राजस्थान में अलवर मेरा पीहर है और सीकर ससुराल है। अरे वाह, सीकर राजस्थान। हम एक बार गए, नजदीक आ जाओ, पूछो जो तुम्हें। बातें तो बहुत सारी थी लेकिन अब भूल गए और बस आप याद रह गए, और लेकिन फिर भी आपको सब पता होगा। और मैं केवल पब्लिक के लिए बता देती हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। हाँ। पहली बात तो आत्मा को परमात्मा से मिला दीजिए, बहुत दिन हो गए भटकते हुए। और जीवन में जितना भी अंधेरा है सब खत्म हो जाए, बस उजाला रहे। अस्तो माँ सदगमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्युर माँ अमृतम गमे, मेरे लिए भी और जिन जिन ने मुझे आप तक पहुंचाने में सहयोग किया है उन सबके लिए भी प्रकाश आ जाए सिर्फ और अंधेरा हट जाए। वाह वाह वाह। लौकिक व्यवहार में? लौकिक व्यवहार में ईशान कोण हमेशा बढ़ा हुआ मिले, जमीन संबंधी जितने दोष है वो खत्म हो जाए, परिवार के, वैवाहिक जीवन के, और जो आपको जो कुछ पता चला वो सब कुछ। और आपसे वैसे तो कम्युनिकेशन होता रहता है, संदेश आपके मिलते रहते हैं। कैसे? लेकिन आमने सामने बात करने की इच्छा थी। नहीं, तो संदेश कैसे मिलते रहते हैं? जैसे मैं जब जो कुछ सोचती हूँ आपके फेसबुक के चैनल पे लिख देती हूँ, वो इच्छा पूरी हो जाती है और वो काम हो जाता है। ये कौन सी अर्जी है जो फेसबुक से पूरी होने लगी? मतलब कैसी फेसबुक से? फेसबुक पे आपका जो ऑफिशियल चैनल है उस पे, उसमें हम कथाएं करते हैं। हाँ, तो आप वहाँ प्रार्थना कर देते हैं? मुझे शिकायत होती है वो भी लिख देती हूँ, और कुछ प्रार्थना होती है कि मुझे ये चाहिए तो वो भी लिख देती हूँ। मतलब जो चलाने वाले हैं वो भी सिद्ध हो गए क्या? क्यों भाई हो? हाँ, कैमरामैन, कृपा तो सन्यासी बाबा की है, वो पहुंचा देते हैं। जी, जी, चलाने और, वाले और, तो शायद उतने ट्रेंड नहीं होंगे अभी। हाँ, शायद। और पूछो। और तो अभी नहीं याद आ रहा कुछ भी। एक और रह गया। और हाँ, रह गया कुछ। हाँ। कहानियां अलिफ लेला जैसी होती रहती है, कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि जो समझ नहीं आती क्या हुआ क्या नहीं हुआ, साधना खराब हुई या कोई तंत्र मंत्र हुआ, क्या हुआ नहीं पता। हमने ऐसा लिखा, पढ़िए। घर में आपके बहुत अशांति, उठा पटक, जमीन संबंधी विषय हैं, जिनमें सुलझ आपको प्राप्त होगी व आपके पक्ष में सब कुछ होगा, भगवत प्राप्ति होगी, गुरु कृपा को पूर्ण रूप से पाना चाहते हैं, व साथ ही साथ टोटका का जो प्रयोग हुआ जिससे मन विचलित रहता है व अपनी साधना के उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंचे, उसका मार्गदर्शन चाहते हैं। साधना आपकी सफल होगी, आप भगवान शिव आदि शक्ति की साधना को पुनः प्रारंभ करिएगा, 40 दिन की साधना में पुनः अनुभव मिलने लगेंगे, आशीर्वाद है। साधना आप बता दीजिए गुरुदेव, कैसे करनी है, क्या करनी है? ठीक, साधु जी, सीताराम, ये हमने साधना के बारे में लिख दिया जी। और जो मंत्र है वो बोलने योग नहीं, बाकी सब बोलने योग। साधना भगवान शिव शक्ति की किसी भी मंदिर में करें, 40 दिन तक करें, हवन करना है इस मंत्र पंचाक्षरी, इस मंत्र का 1,25,000 जाप करना है, एक आसन पर बैठ करके करना है, और इसको 40 दिन में पूर्ण करना है, और ध्यान बहुत ज्यादा करना है, इसी का 10वां भाग का हवन करना है, इससे साधना सफल होगी। और पहले जो आपको अनुभव होते थे, पहले जो आपको विचार प्रकट हो जाते थे और जो आप कह देते थे वो सत्य निकल जाते थे, वही बातें पुनः होने लगेंगी, सत्य होने लगेगा, भगवत कृपा होगी, जमीन संबंधी सभी विषय आपके पक्ष में हैं, बिल्कुल चिंता ना करें, ना उसमें कोई लड़ाई होगी, ना उसमें कोई दंगा होगा, और सहज बस निपट जाएगा, आशीर्वाद है। जय हो गुरुदेव। और एक मंत्र मुझे सपने में मिला था, शिव जी के रूप में ही
भी दिया था, शायद वो शिव थे, उनके गण थे, लेकिन वो मंत्र जारी रखना है। उसको अनवरत जारी रखना है, उसको नहीं आपको छोड़ना है, उसको भी नहीं छोड़ना है। पंचाक्षरी मंत्र जो हमने साधना वाला दिया, इसको भी नहीं छोड़ना है। एक गुरु मंत्र वाला भी आपको नहीं छोड़ना है। कोई भी आपको मंत्र छोड़ने की आवश्यकता नहीं, मंत्र वही रहेगा, वही पुराना ही, बदलना नहीं है। जाओ बहना, खूब खुश रहो, सदा भक्ति तुम्हारी दृढ़ रहो। एक और निवेदन है, आप हमेशा कहते हैं ठटरी बांध देंगे, ठटरी बांध देंगे, ऐसी नौबत मेरे साथ आई तो बांधने के बाद अकेले मत छोड़ना आगे। नहीं नहीं, हम तो हंसते रहे, सन्यासी बाबा और बालाजी की खूब कृपा, हम तो ऐसे ही हंसते रहे। हाँ जी ले आए।